ध्यान करायचं आहे, चिंतन करायचं आहे। आयुष्यामध्ये पक्षाचं कार्य करता करता, जनतेची सेवा करता करता जो अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे, गाठीशी आहे, त्या अनुभवाच्या आधारावर व भविष्यामध्ये एक शांततेमध्ये जीवन जगण्याचा त्यांचा संकल्प, यातून त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला आणि तेव्हाच आपल्या सर्वांच्याच लक्षात आलं की महामहिम राज्यपाल महोदय आता नवीन जो काही त्यांचं संकल्प आणि कार्य आहे त्यासाठी ते जाते। राज्यपाल महोदय ने इसके पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी को अध्ययन चिंतन करने की इच्छा व्यक्त की है। वो बहुत ही ज्येष्ठ ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, अपना जीवन सेवा में समर्पित करने वाले वे देवभूमि के माजी मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने तय किया कि उम्र के साथ में अब आने वाले अपने जीवन को वो अध्ययन चिंतन मनन में शांति से बिताना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने राजनीति से मुझे मुक्त होने की और राज्यपाल महोदय के नाते जो मुझे काम करना होता है उससे मुझे अभी छूट दी जाए ऐसी प्रार्थना की थी। देखो सही तो महाराष्ट्र के विपक्ष ने सारी हदें लांघ दी थी। हमारे संविधान में महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है। संविधान बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के पद की गरिमा और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पद की गरिमा ये देश के लिए सर्वोच्च ऐसे हमारे स्थान हैं और इसलिए ऐसे पदों का अपमान नहीं करना चाहिए। मगर पिछले दो ढाई साल में सरकार जो थी वो मस्ती में थी, उनको एक सत्ता का अहंकार था और महामहिम राज्यपाल महोदय के सीधे साधे स्वभाव की वजह से जब कभी वो पिछली सरकार के कोई प्रस्ताव के बारे में मत व्यक्त करते थे और अपने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करते थे, उसके बाद भी बड़े भद्दे शब्दों का इस्तेमाल उनके बारे में किया गया, ये कभी उचित नहीं रहा। इसके पहले भी कई राज्यपाल आए थे, उन्होंने भी राज्यपाल के नाते ऐसे ऐसे कुछ फाइल्स रखी थी कि जो फाइल पे वो कभी सिग्नेचर नहीं करते थे, ऐसा बहुत बार हुआ है। मगर राज्यपाल महोदय के बारे में जो भी हम शब्दों का उपयोग करते हैं वो शालीनता से हो यह अपेक्षा होती है। वो वादग्रस्त वक्तव्य अनेक झाले होते, त्यामुळेच राज्यपालांना राजीनामा द्यावा लागला असा प्रकारे विरोधकांकडून नाही, असं आहे की वादग्रस्त वक्तव्याच्या संदर्भात त्यांनी प्रत्येक वेळी खुलासाच केला आहे। श्री राहुल गांधींनी मात्र सावरकरांच्या संदर्भात जो अपमानजनक शब्द वापरले त्याचा अजूनही खुलासा आला नाही। नाही, त्यांच्या आरोपाकडे तुम्ही गंभीरपणे पाहता का? डॉक्टरपेक्षा कंपाऊंडर बघा, हे त्यांचं मत आहे। पाप केल्याने कोरोना होतो, हरामखोर या शब्दाचा अर्थ नॉटी, पत्रकार म्हणून तुम्हाला तरी हे नवीन डिक्शनरी मान्य असेल तर सांगा, म्हणून आपण गंभीरपणे पाहण्याचं काही कारण नाही। तुझा कॅमेरा अलग आहे का?